नमस्कार, सभी का स्वागत है कौशलिया बेसिक्स में। आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में कर रहे हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आफ्टर पासिंग हाईएस्ट क्लास ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल की हाईएस्ट क्लास तुमने पास कर ली है और उसके बाद आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो हम कैसे लिखेंगे। अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना। अब शुरू करते हैं अपने एप्लीकेशन। टू द प्रिंसिपल द हेडमास्टर, अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल है तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे, और यदि हेडमास्टर है आपका हाई स्कूल है भाई, टेंथ का है मिडल तक का है, तो आप हेडमास्टर लिखेंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी मिडिल हाई सीनियर सेकेंडरी जो भी आपका स्कूल है, अगर आप पाँचवीं क्लास में हो, पाँच प्राइमरी तक का आपका स्कूल है तो आप लिखोगे प्राइमरी, अगर आठवीं तक का है आपका स्कूल तो मिडिल, और यदि आपका दसवीं तक का है तो आप हाई स्कूल लिखोगे, और यदि आपका स्कूल प्लस टू तक का है तो आप लिखोगे सीनियर सेकेंडरी रेवाड़ी। यहाँ उस स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपका स्कूल है, जहाँ पे स्कूल है वो नाम यहाँ पे लिखना है। आगे आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिस बारे में भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। सर या मैडम, आपके स्कूल में हेडमास्टर यदि सर है तो टीचर है तो सर लिखेंगे, और कोई फीमेल टीचर है तो वहाँ लिखेंगे मैडम। अब आगे शुरू करते हैं अपनी एप्लीकेशन का मैटर कि किस तरह से हमें रिक्वेस्ट करनी है। आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहाँ पे डैश क्लास, डैश में लिखनी है वो क्लास जिस जो क्लास आपने पास कर ली है। मैंने यहाँ पे टेंथ लिखी है, आप यहाँ पे फिफ्थ भी लिख सकते हैं, एट्थ में अगर आपने एट्थ पास की है तो एट्थ भी लिख सकते हैं, प्लस टू पास की है तो आप प्लस टू लिख सकते हैं। मैं आपके स्कूल के दसवीं के क्लास में पढ़ता हूँ। आई हैव पास्ड माई क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम योर स्कूल, कि मैंने क्लास के बाद फिर मैंने डैश लगा रखा है, जो ऊपर तुमने जो क्लास लिखी है वही क्लास लिखेंगे। मैं यहाँ पे टेंथ लिख रही हूँ, आप जिस क्लास भी जो क्लास भी आपने पास की है वो क्लास लिखेंगे। मैंने अपनी दसवीं की परीक्षा पास कर ली है आपके स्कूल से। आई गोट डैश मार्क्स इन माई रिजल्ट, और यहाँ पे लिखने होते हैं कि भाई आपने कितने मार्क्स लिए हैं, ये ऑप्शनल है, लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिखो, कोई ज़रूरी नहीं होता। मैंने 90% मार्क्स प्राप्त करे हैं, अंक लिए हैं। नाउ फॉर फर्दर स्टडीज आई वांट माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अब आगे की पढ़ाई के लिए मुझे आपके स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। आई हैव पेड ऑल माई ड्यूज, मैंने अपने सारे भुगतान कर दिए हैं, यानी कि स्कूल फीस है या कोई लाइब्रेरी का चार्ज है वो मैंने सारा भर दिया है। सो आई रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाए, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र मुझे दिया जाए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब इसके नीचे आपको अपने बारे में लिखना है कि आप कौन है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या आपका नाम है। तो सबसे पहले लिखेंगे नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो आपका नाम है। क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हो, जो क्लास आपने पास की है, यहाँ मैंने लिखा टेंथ ए, यानी कि सेक्शन भी अपना साथ में आपको लिखना है। इसके बाद लिखना है रोल नंबर, जितने आपके रोल नंबर इस क्लास में थे जो आपने पास कर लिए, ठीक है। अब आपको लिखनी है डेट, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो डेट लिखनी है। मैंने यहाँ पे लिखी है
27 अगस्त 2021। और डेट किस तरह से लिखनी है, कहाँ कोमे लगाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है किस तरह लिखनी है। ठीक है बेटा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।